डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज क्वेश्चन आंसर्स की चल रही है क्लास ट्वेल्थ के लिए, उसमें आज हम लेसन 11 को देखेंगे, जिसका नाम है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के सच्चे उत्तराधिकारी, यानी कि धरती पर असली हक, वास्तविक हक किनका है। तो इस लेसन की जो समरी है वो इस प्रकार है कि इसमें जो आथर है मोहम्मद बशीर, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 एकड़ का कोई प्लाट कहीं फार्म हाउस जैसे कहीं उन्होंने लिया है जंगल में, और उस 2 एकड़ के प्लाट में उनके पास कोकोनट के झाड़ भी है, कोकोनट पाम्स, और उसमें एक पुराना घर भी है। तो उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि जब उन्होंने प्लाट लिया उस समय उसमें जो नारियल के जो झाड़ थे, उस दौरान नारियल की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि नारियल के को बेचकर वो अपनी जीविका चला सकते हैं। लेकिन चूंकि वो उनका जो प्लाट है और जो उनका मकान है वो एक जंगल में है, तो वहाँ पर तमाम प्रकार के जीव जंतु उनके घरों में आ जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स, बटरफ्लाइज हो गए, तितलियाँ हो गई, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी हमारा आएगा कि सबसे पहले कौन आए, तो अपन उसमें कहेंगे कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज आए थे। उसके बाद इसमें कौवे आ गए, कौवे से बहुत ज़्यादा परेशान है लेखक, क्योंकि कौवे की जो आवाज़ है बहुत ही रॉकस आवाज़ है, रॉकस यानी कि कर्कश आवाज़, जो बहुत ही इनसफरेबल होती है, इनसफरेबल होती है मतलब असहनीय होती है। उसके बाद वो जो जो मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी वो झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे ही बाज भी आ गए हैं, बाज भी यही कार्य कर रहे हैं, अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं, नेवले मंगूज आ गए हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो जीव जंतु है वो उनके जो बाउंड्री है, पेरीफेरी है, पेरीफेरी यानी बाउंड्री होता है, तो उसमें वो एंटर कर रहे हैं अंदर हाउस के अंदर, और लेखक उनसे परेशान है, लेखक की वाइफ भी परेशान है। और एक दिन ऐसा होता है कि एक कोबरा भी अचानक से सामने आ जाता है लेखक के, और लेखक उसको सोचता है कि कम से कम तुम्हें तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, उस कोबरे को वो लेखक कहता है। फिर उनके पास जो नारियल के जो वृक्ष हैं उनमें जो नारियल लगे हुए हैं, और बाकी जो दूसरे भी उनके पास जो थोड़े बहुत जो दूसरे जो पेड़ हैं उन पर जो फल आ रहे हैं, जैसे कि मैंगोस है, गवावास, अमरूद हैं और नारियल हैं, उनको जो गिलहरिया है वो खा रही है, चूहे खा रहे हैं, और कौवे भी दावत उड़ा रहे हैं, बर्ड्स यानी कि खा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये तो गलत है, हमारे जो हम जिन्हें बेचना चाहते हैं उनके मजे ये ले रहे हैं, बर्ड्स ले रहे हैं, बैट्स ले रही हैं, चमगादड़ ले रही है। तो लेखक ने कहा कि ये तो इस बात की खूबसूरती है, अगर जंगल में यहाँ ऐसी कहीं जगह पर घर रहेगा तो ये तो आएंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन वो फिर, चूंकि उनकी जीविका कमाने का साधन केवल नारियल ही हैं, और 900 जो नारियल जो हर महीने नीचे गिरते हैं वो चूहों की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो एक दिन वो मार्केट से पॉइजन लेके आते हैं, और तमाम प्रकार की जो खाद्यान्न चीज़ें होती हैं, जैसे कि केले हो गए, चावल हो गए, साबूदाना हो गया, इनमें मिलाकर दवा को रख दिया गया, और उसके फिर जो परिणाम हुए वो इस प्रकार हुए हैं कि 4 दिन के अंदर 5 मुर्गियां, 12 गिलहरियां, 200 चूहे और 1 बिल्ली की इनसे मौत हो गई। अब 200 चूहे की वजह से घर में जगह जगह स्टेंच मतलब कि बदबू फैल रही है, और इसके बाद भी जब नारियल के फल गिरना बंद नहीं हुए, क्योंकि नारियल के फल चूहों की वजह से नहीं गिर रहे थे, वो बैट्स चमगादड़ की वजह से गिर रहे थे, तो फिर इसकी वाइफ ने कहा कि अब हम बैट्स को शूट आउट करेंगे। तो इसने कहा कि शूट के लिए जो गन आप ला रहे हो उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, वो मतलब हमारा जो आथर है वो गन खरीदने के फेवर में नहीं है। तो उसकी वाइफ ने अपने कज़न से एक गन मंगाई है, और उसके बाद वो कहीं
नारियल, ये जो बनियान ट्रीज, दो बरगद के पेड़ हैं कहीं दूर, वहाँ जाकर सारे चमगादड़ बैठते हैं, 3,000 चमगादड़। तो उनको ये एक दिन गन से मारने गए, लेकिन वहाँ जो आसपास जो किसी एक मंदिर था उसके आसपास कुछ लोग रहते थे, तो वो लोग सारे के सारे हथियारों के साथ आ गए और इनको धमकाया कि आप इन्हें नहीं मार सकते, ये हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं। तो उसके बाद जब इसकी वाइफ और वो जो कजन है वापस आ गए डर करके, टेरिफाइड, बिल्कुल टेरिफाइड यानी कि भयभीत, शेम फेस्ड मतलब कि शर्म लिए हुए, मतलब शर्मनाक चेहरा किए, वो आ गए, ये इनका काम नहीं हो पाया जो बंदूक से मारने गए थे, गन से मारने गए थे। तो इन्होंने, लेखक ने फिर बाद में एक डिसीजन लिया कि ठीक है वो हमारे पूर्वजों की आत्मा तो नहीं है, लेकिन जो गॉड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसने जो क्रिएशन किए हैं, जो निर्माण किए हैं, उनमें निर्माण, जैसे उन्होंने नारियल का अगर ईश्वर ने निर्माण किया है, तो उन्होंने जंतु का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। इसलिए पृथ्वी पर जो कुछ भी उत्पादन है उस पर सभी का बराबर हक है, क्योंकि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तब ऐसा उन्होंने कहा था कि सभी जो जीवधारी हैं वो धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो मन कह सकते हैं ऑल लिविंग बींग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि सभी जीवधारी पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। ऐसा गॉड ने जब पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण किया तब ऐसा गॉड ने कहा था, ऐसा लेखक मानता है। तो जो मैंने आपको ये समरी सुनाई है इसमें अधिकतर क्वेश्चन आंसर भी हमारे आ गए हैं, तो हम इसके जो इस पार्ट के जो मोस्ट मोस्ट जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। वैसे भी इस पार्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई, लेखक अपना भविष्य सुरक्षित क्यों मानता था और वो क्या थी इससे ऐसा उसे लगता था कि उसका भविष्य सुरक्षित है। तो लेखक ने जो 2 एकड़ का प्लाट लिया था और उसमें जो नारियल के झाड़ थे और एक घर था, उससे उसे ऐसा लगता था कि मेरा भविष्य सेफ है, सिक्योर है। तो हमने आंसर दिया है द आथर फेल्ट सिक्योर, लेखक सुरक्षा का अनुभव लेखक ने किया वेन ही बिकेम द ऑनर ऑफ ए 2 एकड़ प्लाट, क्योंकि उसके पास 2 एकड़ का प्लाट है और उस प्लाट में बिकॉज इट हैड कोकोनट पाम्स एंड ए हाउस इन इट, क्योंकि उस प्लाट में उसके पास नारियल के झाड़ है और एक घर भी है, इसलिए उसे सुरक्षा का अनुभव हुआ। अगला क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, सबसे पहले इनके फार्म में, इनके जो इन्होंने जो 2 एकड़ का फार्म लिया था उसमें सबसे पहले कौन आए, फर्स्ट विजिटर, भेंट करने वाले कौन थे। तो हमने अभी समरी में देखा बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, कि पक्षी और तितलियां सबसे पहले इनके फार्म में आए। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा राइट टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द आथर, कि वो 2 तरीके बताइए जिनसे लेखक जो है वो कौवों से इरिटेट होता है, परेशान होता है। द टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द आथर वर द फॉलोइंग, कि 2 जो कारण थे वो निम्न हैं। पहला है देयर अनप्लेजेंट काविंग वाज वेरी अनबियरेबल, कि उनकी जो अनप्लेजेंट का मतलब होता है जो बेकार जो आवाज, कर्कश काविंग जो काव काव करते हैं वो बहुत ही अनबियरेबल थी। दे सूप्ड डाउन ऑन द चिक्स, और वो मुर्गी के बच्चों पर झपट्टा भी मारते थे, इसलिए कौवों से लेखक परेशान थे। फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मजेस्टिक क्रिएचर डेट द ऑथर इनकाउंटर्ड, किस दिव्य प्राणी से लेखक का सामना हुआ। तो हमने बताया कि एक कोबरा सांप सामने आया था, तो कोबरा स्नेक वाज द मजेस्टिक क्रिएचर डेट द ऑथर इनकाउंटर्ड, कि कोबरा सांप वो दिव्य प्राणी था जिसका लेखक से सामना हो गया था। अब इसमें एक 4 नंबर लायक क्वेश्चन भी है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक का। व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉइजनिंग द रेट्स इन एंड अराउंड द हाउस, कि क्या परिणाम हुए जहर रखने के चूहों के लिए जो घर के बाहर और अंदर रखा गया था। तो हमारी किताब में ये आंसर है, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन 4 डेज 4 दिन में 5 हेंस 12 स्क्वायरल्स 200 रेट्स एंड ए केट डिस अपियर्ड बिहाइंड द कर्टेंस ऑफ टाइम फॉर एवर, कि 4 दिन में 5 मुर्गियां 12 गिलहरियां 200 चूहे और एक बिल्ली मौत के पर्दे के पीछे हमेशा के लिए छिप गए, यानी कि मर गए। फिर आगे डेड रेट्स रोटेड इन द एटिक,
कि जो मरे हुए चूहे थे वो अटारी में सड़ रहे थे जगह जगह पर। डेथ वॉज एवरीवेयर, हर कहीं मौत थी। द स्टेंच स्प्रीड ऑल ओवर द हाउस, और पूरे घर में बदबू फैल गई थी। ये चार नंबर में भी आता है, दो नंबर में आता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यह है कि हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ्स सजेशन ऑफ बाइंग ए गन। लेखक ने कैसे प्रतिक्रिया दी जब उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट किया कि गन खरीद लें। जब उसकी वाइफ ने कहा कि आओ हम गन खरीद लेते हैं इन चमगादड़ को मारने के लिए, तो लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे दी। तो लेखक तो गन खरीदने के फेवर में था ही नहीं, तो उसने कहा द आथर वाज नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग ए गन, कि लेखक इसके फेवर में नहीं था गन खरीदने के। इन हिज व्यू, उसके दृष्टिकोण में द गन वाज ए सिंबल ऑफ क्रुएल्टी, कि जो गन थी वो निर्दयता का प्रतीक है थी। इट वाज द चाइल्ड ऑफ सिन, ये एक पाप का प्रतीक है, या आप कह सकते हैं कि ये पाप का प्रोडक्ट है, इसलिए वो इसके फेवर में नहीं था। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, मनुष्य को इसका आविष्कार कभी करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा उसके विचार। फिर हमारे इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर डेराइव आफ्टर द इंसिडेंट एट द आइसलेट, कि क्या निष्कर्ष निकाला लेखक ने जो घटना उस द्वीप पर घटी जहां पर ये इसकी वाइफ और इसकी वाइफ का कजन जो मारने गए थे गन से चमगादड़ों को। क्या निष्कर्ष निकला उस घटना के बाद जब इसकी वाइफ और इसकी वाइफ का जो कजन है वो भाग के आए, तो निष्कर्ष उसने क्या निकाला था, जो मैंने अभी आपको समरी में बताया कि लेखक ने माना कि सभी जीवधारी पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं और पृथ्वी पर जो भी ईश्वर ने क्रिएशन किए हैं उन सब पर सभी जीवधारियों का अधिकार है। तो हमने कहा है द आथर कंक्लूडेड, लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि ऑल लिविंग बींग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि सभी जीवधारी पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी है, राइटफुल। लेट अस बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन देयर शेयर, कि आओ हम संतुष्ट हो लेंगे जब वो उनका हिस्सा ले ले। हिस्सा कौन ले ले, वो जीवधारी जो जीव जंतु वो उनका हिस्सा लेने के बाद जो छोड़ते हैं हम उनसे ही सेटिस्फाइड हो लेंगे। दे आर वन एमंग गॉड्स मेनी क्रिएशंस, क्योंकि ईश्वर ने जो बहुत सारा क्रिएशन किया है, निर्माण किया, उनमें से वो जीव जंतु भी हैं, इसलिए उनका भी धरती के उत्पादन पर, ये जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उनके खाने लायक है उन पर उनका भी अधिकार है। तो इस तरह से इस लेसन का संदेश भी है कि ऑल लिविंग बींग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही चैनल को देखते रहें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सभी कमेंट भी समय समय पर करते रहें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले।